नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हाले प्रथमे हेडलाइंस डब्ल्यूएचओ अनुमोदन देथिपा टीका नेथिले करि परिबे विदेश यात्रा कोविशील्ड को मिलिछि अनुमति कोवैक्सीन और स्पुटनिक वी को नाही परमिशन स्वास्थ्य निर्देशक कहिले 5% को संक्रमण हार कमिले राज्य रो उठिबो लॉकडाउन देश में लगातार कमुची कोरोना 24 घंटे आउ 1,14,460 पॉजिटिव दुई मास पर सबुठ कम आक्रांत चिन्हट एपटे राज्य में 7,002 नुआ आक्रांत पुणी 42 बर नेला किलर भाइरस विजेडी सांसद अमर पट्टनायक उपरे बरसिले लेखाश्री सामंत सियार कहले कोवैक्सीन को नहीं भूल तथ्य देउछंती सांसद हीन राजनीति करुछि विजेडी अमर पट्टनायक विरोध में कार्यानुष्ठान नेउ दल बातायास जगू केते होई क्षति आकलन पर आज ओडिशा आसुचंती सातजड़िया केंद्रीय टीम दुई दिन रही बात्या क्षतिग्रस्त अंचल बुलवा सह राज्य सरकार को वरिष्ठ अधिकारी करेंगे आलोचना मड़े आसुची चिलिका लीन होगाक बसी कृष्णप्रसाद ब्लक सात पंचायत 40 खंड गां जुआर बाड़ में खाई जाऊँ प्राचीर केबे सर चिलिकार रिंग बंध निर्माण कार्य उठला प्रश्न ओडिशा उपरे आंध्र नजर गजपति रायगड़ा ब्लॉक में धसई पशिला आंध्र मनरेगा योजन पोखरी खोला स्थानीय लोकों विरोध एवं वेटरन अभिनेता दिलीप कुमार पुणी असुस्थ निश्वास नेबारे होउछि असुविधा मुंबईर हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती बुलेटिन आरंभ करिबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर जदि विदेश यात्रा करिबे तबे डब्ल्यूएचओ अनुमोदन करिथिबा टीका नेथिबा आवश्यक भारतर कोविशील्ड टीका केवल एही अनुमोदन पाइछे तबे कोवैक्सीन और स्पुटनिक भी डब्ल्यूएचओ अनुमोदन देनाही तबे एहार फेज 3 रो डाटा पब्लिश होइ नथिबारु एहाकु अनुमोदन मिलि पारि नाही एबे राज्यरे संक्रमण 10% कु कमिछि जेबे 5% रु संक्रमण कमिबो सेबे लॉकडाउन कोहल करा 16 तारीख तृतीय पर्याय लॉकडाउन शेष बेलू राज्य में संक्रमण प्राय 5% हो जाता आशा करा तबे भुवनेश्वर और कटक संक्रमण कमु नगर किसी मात्रा में कटक रहीपे जहाँ कि 10 दिन भितर आयत्त कर आवश्यकता रही स्वास्थ्य निर्देशक नीरज मिश्रा हारटा कमी ये भल ये एक्सपेक्टेड था आगुरी भी कही मे लास्ट विक बेलू आम कम आरंभ हम जोटा कमी बहुत भल आज 10% चलो गला आम टार्गेट हूँ 5% तौक गले आम जाए लॉकडाउन रू धीरे धीरे अनलॉक प्रोसेस आरंभ हम जत मत लगुच जिते 16 तारीख आम लास्ट लॉकडाउन डेट जो अच्छी तापर आम 5% पाखापाखी हो जाए तौक जाइए तेना मत लगुच हुए तो एक्सटेनसन लॉकडाउन नईपे खाली गोटे दुटा इश्यूज रोचे जमी भुवनेश्वर कटक पजिट हार अगर अपेक्षा बहुत अधिक अच्छी तेणु हूँ तो ये जब पजिट हार न कमला हूँ तो ये किसी रेस्ट्रिक्शन रहीपे अगर जगह ओपन अप हो पारे पजिटिविटी रेट तो 5% को आने प्रथम टार्गेट से कले लॉकडाउन अनलॉक हवा दरकार जोटा कि बहुत जरूरी कारण लोक मान जीविका उपर तार प्रभाव पड़ी लोक मैंने हईराण होती तेनाली दरकार एक्सपेक्टेड लाइन में चली सब भल जदि आम फरेन ट्रावेल करवामर डब्ल्यूएचओ एक्सेप्टेड कि इंटरनेशनल एक्सेप्टेड वैक्सीन आम दरकार आम से गोटे वैक्सीन जो इंडिया बर्तन चलते कोविशील्ड बाकी कोवैक्सीन और स्पुटनिक भी डब्ल्यूएचओ अप्रूव्ड नुहे तेणु नेलापर भी आप वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं बाहर को जापरेंगे ना बाहर को ट्रावेल करने आपर कोविशील्ड वैक्सीनेसन सर्टिफिकेट दरकार गोटे समय थिला आमर 23% उपरे संक्रमण हार रोला वर्तमान यह धीरे धीरे कमी 9% रे पहुंचला सेतबेले टेस्टिंग मध्य कम थिला आउ एबे आमे टेस्टिंग को गुरुत्व दे एहाकु बढ़ाई संक्रमण हार एपरी कमिबा बहुत भल लक्षण या द्वारा जणा पडुछि जे आमर ट्रांसमिशन कमुछि आमर सर्वेलांस काम देछि
ଏହିପରି ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମିଲେ ଆମେ ଆଶା ଯାହା ରହିଛି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ 7-8 ଦିନ ଲାଗିବ। ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। पॉजिटिविटी हार कथा डिस्कशन करवा आपण मन थी गोटे टाइम थी आम 23% पॉजिटिविटी थी वर्तमान धीरे 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 कमी आपत देखु थे से टेस्टिंग कम थी वर्तमान टेस्टिंग अधिका है जी पॉजिटिविटी होमें धीरे धीरे कमिकी वर्तमान 9.5 पखापाखि पहुँचला। यही पॉजिटिव हार कमीटा गोटे बहुत भल लक्षण आमर यहाँ रिफ्लेक्ट करुच्चर ट्रांसमिशन कमुची आमर सर्भेलांस कम देमर समस्त जो प्रयास चलती या कंटेन करने को समस्त प्रयास सफल होती रेट्रे जदि 0.5-1% रेट्रे जदि यही पॉजिटिविटी रेट कमे ताल आम जो एक्सेप्टेबल पॉजिटिविटी रेट अच्छी पहुँचा बोधे आमको 7-8 दिन लगे आम गोटे भल स्थित पहुँची पार। बीजेडी सांसद अमर पटनायक कोवैक्सीन को नहीं देखा मंतव्य उपरे प्रतिक्रिया रखिंट बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंतार कोवैक्सीन को भूल वैक्सीन कहवा दुर्भाग्यजनक लेखाश्री बीजेडी सरकार सबुबले जनविरोधी काम करसुच्ची लोक डर बीजेडी एमती करुच्ची बीजेडी सांसद अमर पटनायक विरोध में दृढ़ कार्यानुषान दावी करते लेखाश्री राज्य सरकार को कोविड परिचालन विफलता को लुचाईवा जाई कथा कहते अमर से निजे दुई दुईट डोज नहीं निजे सुरक्षित रही अन्य को डराउछन्ती अमर बाबू केउठो एभली तथ्य पाइले प्रश्न करिछन्ती लेखाश्री सेपरी कोवैक्सीन को नहीं डब्ल्यूएचओ एपरी कौन तथ्य देना कोवैक्सीन नहीं छात्र छात्री अन्य देश को जापारे ना क्योंकि उल्लेख नहींशावासी को भ्रमित करने को अमर पटनायक एपरी करेखाश्री गोटे दुर्भाग्यजनक मंतव्य विजु जनता दलर राज्यसभा सांसद श्रीजुक्त अमर पटनायक देइचंती टीका को लेकर सेटा जनविरोधी संपूर्ण भाव में मिथ्या देश विरोधी एवं लोकों को भ्रमित कला भली सी कहिले जे जो माने कोवैक्सीन नेइचंती से माने विदेश को जाई पारिबे नाही आउ केंद्र सरकार वैक्सीन पॉलिसी जोगु लोके साधारण लोक हैरान होचंती एटा संपूर्ण भाव रे मिथ्या डब्ल्यूएचओ एमिती कौनसी प्री कंडीशन रखी नाही फॉरेन ट्रैवल पाई विदेश को जीबा पाई कि कौनसी टीका नहीं थिबारो प्री कंडीशन नाही विश्व रे भी जे सबु लोकर टीकाकरण हेची एटा भी सत्य नुहे ता माने जो माने टीकाकरण टीका नहीं नांती से माने कौन विदेश जाई परिवेनी तो ए भले जो जन विरोधी मंतव्य देइचंती राज्यसभा सांसद एटा लोकों भितर भय सृष्टि करिवा पई कि एवं लोकों भितर टीका न नबा पई कि आग्रह बढ़ेवा पई कि गोटे सुपरिकल्पित योजना कोवैक्सीन टीका को नहीं बीजेपी और बीजेडी मुहांमुही होता बेले टीका को नहीं राजनीति करना वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार राउतराय जदि कोवैक्सीन ने विदेश जाइब ना तो आम पिला जीवन को अंधकार कर आगुरी कोविशिल्ड टीका दि जाऊला ही सब अंचल सरकार कौन पर दे से प्रश्न करहसन कर कहीं सस्पेंस रखिंटी से प्रश्न करते जो टीका दे गोटे देवास तुरंत यार संशोधन करतु से कहते तेरे कोविड तृतीय लहर से शिशु चिकित्सापी भित्तभूमि प्रस्तुत प्रसंग से कहते कोरोनार तृतीय लहर अधिक मात्रा में शिशु मानक संक्रमित कर किंतु राज्य सरकार कौन से डाक्तखाना किसी व्यवस्था करना शिशु रोग विशेषज्ञ नहांती मेडिसिन नहीं भेंटिलेटर नहीं जंत्रापति नहीं बेड नहीं स्वतंत्र डाक्तखाना मध्य अभाव रही मुख्यमंत्री हिसाब से नवीन पटनायक खाली सजाग अच्छु कहले हेब ना तुरंत शिशु चिकित्सापी डाक्तखाना व्यवस्था करने बेड भेंटिलेटर और आईसीयू रूम प्रस्तुत करूँ सरकार यासह विशेषज्ञ को राज्य सरकार नियुक्त करूँ बोली से दावी करते ये टीका को नहीं राजनीति करनी मो निज मत होदि कोवैक्सीन दिगले फरेन जापर उठाऊँ स्वर ताल यार माने कौन ता मैंने आम पिला जीवन अंधकार करिया कथा आगुरी चली कोविशिल्ड चल था टोटाल मुंडू
ये प्रश्न कौन सस्पेंस कौन रखुच एगुटा भूल हो संशोधन कर जहाँ कर गोटे कर देशरे लगातार कमुछि कोरोना दुई मास परे गत 24 घंटे देशरे सबुठ कम आक्रांत चिन्हट होती दिनक 1,14,460 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती एहा पूर्वरु एप्रिल 5 तारीख में 96,982 पॉजिटिव चिन्हट होते सेपरि गत 24 घंटे 2,677 जनक कोरोन मृत्यु होती सेपरि 1,99,232 जन संक्रमित सुस्थ होती रिकवरी रेट 93.67% होती स्वास्थ्य मंत्रालय सूचना अनुसार आज सुस्थ संख्या 25 दिन होगा आसुवा आरोग्य संख्या भितर सबुठ कम सेबड़े राज्य में खसुच्छे संक्रमण 24 घंटे 7,002 पॉजिटिव चिन्हट होती क्वारेटीन 3,921 और स्थानीय संक्रमण 3,081 पॉजिटिव खोर्धार सर्वाधिक 1,167 पॉजिटिव चिन्हट होती कटक 771 जाजपुर 486 जन पॉजिटिव चिन्हट होती सेपरि तीनोटी जिले में संक्रमण 300 ऊपर रही अनुगुल बालेश्वर मयूरभंज 300 ऊपर पॉजिटिव चिन्हट होती अनुगुल 388 मयूरभंज 370 और बालेश्वर 331 जन आक्रांत चिन्हट होती अन्यपटे राज्य में पुणि 42 मुंड रही महामारी अन्यपटे संक्रमण कमि कमि 9% पहुंचला कोरोना चेन ब्रेक आम समस्त पदक्षेप सफल होता कहते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र देखो आम जब पॉजिटिविटी हार कथा डिस्कशन करवा आपण मान मन थी गोटे टाइम थी आम 23% पॉजिटिविटी थी वर्तमान धीरे 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 कमी आप देखु थे सेतबाले टेस्टिंग कम थी वर्तमान टेस्टिंग अधिका है जी पॉजिटिविटी होउची आम धीरे धीरे कमिकी वर्तमान 9.5 पाखापाखि पहुँचला पॉजिटिव हार कमीटा गोटे बहुत भल लक्षण आमर एटा रिफ्लेक्ट करुच्चे आम ट्रांसमिशन कमुच आमर सर्विलांस काम देची आमर समस्त जो प्रयास चलती आपको कंटेन करने को समस्त प्रयास सफल होती रेट्रे जदि 0.5-1% रेट्रे जदि पॉजिटिविटी रेट कमे ताले आमर जो एक्सेप्टेबल पॉजिटिविटी रेट अच्छी ताको पहुँचा बोधे आमको 7-8 दिन लगे आम गोटे भल स्थित पहुँची पार युव बीजेपी नेता हत्या पिटिपिटी मारिदेले दुर्बृत्त एभले अभाव्य घटना घटी मयूरभंज कप्तिपदा थाना अंतर्गत नुआसाई गाँव में बीच रास्तार युव बीजेपी नेता रंजित प्रधान को निर्मम भाव हत्या कर नुआसाई निकट में किसी लोक कारु घोषारी नहीं बाड़े बाड़े मारी एने कप्तिपदा थाना अभियोग पर पुलिस तीन जन को गिरफ्त कर मृत रंजित बीजेपी युव मोर्चार बालेश्वर जिलार प्रभारी होइतिबारु हत्याकांड खबर मिलवा पर उदला डाक्तरखाना पहुंची बालेश्वर बीजेपी टीम बालेश्वर जिला बीजेपी सभापति समेत रेमुणार पूर्वतन विधायक और बीजेपी कर्मकर्ता माने डाक्तरखाना पहुंचा सहित पुलिस सहित आलोचना करते घटना पुलिस 4 जन अभियुक्त मध्य 3 जन को थाना अटक रखी तदंत चल घटना पछे केवल गाड़ी साइड मार कारण ना अन्य किसी कारण रही तार तदंत कर पुलिस चतुर्थ अभियुक्त जनक एवं फेरार रही बेले से घटनार मास्टरमाइंड कि ताहा पुलिस तदंत परिसर में रही जो पूरी भाव में मारी दिया जाए कि से जो दुर्घटना घटी जो गंडगोल हवा भितर कौ जगार अजगार गोटे माड़ से तो डेथ कर उदला हस्पिटा डेथ रिसीव भी कहते आम एठिकार विधायक भी मध्य ए बाबद सब तलान कर निश्चित आशा करूँ प्रशासन पाखर मीडिया बंधु पाखु आम आशा करूँ ये घटना सतासत कौन घटना को लोकलोचना सब भल आमर दलपाई गोटे अपूरणीय क्षति होती मुझे तार जहाँ बॉडी देखुली बॉडी कौन से प्रकार इंजरी ना तेणु कहुई इन्वेस्टिगेशन टा ठीक भाव में करने पुलिस को कहुई एवं जो पोस्टमार्टम हम से पोस्टमार्टम ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स रखिकी एवं वीडियोग्राफी करें प्रशासन सहयोग कर तदंत चलसी वर्तमान से तदंत शेष होगापर कहपर वर्तमान कहवा उचित हम ना जेहेतु तदंत संपूर्ण भाव सरना वर्तमान तो प्राइमरी पीएम चलती सरलापर तदंत जो आपर तदंतर डिटेल्स कहूँ कौन हत्याकांड घटला कौन
ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ନଜର। ଗାଁରେ ପଶି ଆରମ୍ଭ କଲା କାମ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭିତରେ ଧସେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚମ୍ପାପୁର ଗାଁରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଞ୍ଜୁଷା ମଙ୍ଗଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପୋଖରୀ ଖୋଳା ଚାଲିଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଜନହିତକର କାମ କରିବା ସହ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପ୍ରଲୋଭିତ କରୁଛି। କୁକୁର ଉପରେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ଯୁବକ ଗିରଫ। ପାଞ୍ଚଟି କୁକୁର ଉପରେ କାର୍ ଚଢ଼ାଇ ଗିରଫ ହେଲେ ଯୁବକ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଲ୍ଡଟାଉନ୍ ଘୁଷେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର୍ ଚଢ଼ିବା ଫଳରେ ପାଞ୍ଚଟି କୁକୁରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସ୍ଥାନରେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 429 506 294 ସେକ୍ସନ 11 କ୍ୟୁରିଟି ଆନିମଲ୍ ଆକ୍ଟ ଦଫାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ବିକାଶଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଚାଲିଛି ବିକାଶ କାମ, ହେଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏବେ ଦୋଳାରେ ଭୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସୁଫଳ। ମୋହନାରୁ ଦେଖିବା ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ, ଦୋଳା ଭରସା। ବିକାଶ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳୁ। ବିକାଶ କେମିତି ଝୁଣ୍ଟୁଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତାହା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏହି ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୁହାଖୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲକୁ, କେମିତି ଦୋଳାରେ ନିଆଯାଉଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ହେଉଛି ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ମାଟି ଓ କାଦୁଅ ରାସ୍ତା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିୟମିତ ରାସ୍ତା। ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା, ହେଲେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ନୀତି, ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ। କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ନେତାମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ଼। ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଅନେକ ଥର ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରେ ସେଠି ଜଣାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛୁ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ଆମ ଉପରେ ଏତେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ହେଲେ କି କ'ଣ, ଆଉ ଏମିତି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ କି ନହେଲେ କି ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇ ହେଉନି। ଆଉ ଏମିତି ଡେଲିଭରି ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଉନି, ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର ନହେବାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି କଥାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ସିନା, ସେମାନେ ଆସିକରି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାଟି ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଠିକ୍ରେ କାମ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ବିଲ୍ ପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି କି ନା, ଆଉ ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ବର୍ଷା ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଏକା ହେଇଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ଆମେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ଲୁଗା କରିକି କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ଭୁଇଁକି ନେଉଛୁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବରପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର। ପଞ୍ଚାୟତରେ କୁଇକନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଏହି ଗ୍ରାମଟି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ। ପକ୍କା ସଡ଼କଟିଏ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇ ବିଲ୍ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତା ଅତି ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଖି ତାଙ୍କର ମୁଜି ଯାଇଛି, କାଲି ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣୁନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଏମଏଲ୍ଏ ଶୁଣୁନାହିଁ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଶୁଣୁନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ କାହାକୁ ଆଉ କାହାକୁ କୁହାର କରିବୁ? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସଡ଼କ ଯୋଜନା କରିଦେଇଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଉଦୟଗିରିରୁ ରାସ୍ତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆଶା ଦିଦି ହେ ସାର୍, ଗାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବି ଆସିବାକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ସରକାର ସହଯୋଗ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେବ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ କିଏ ପାଉଛି
ତାହାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ସଦୃଶ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗାଁକୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ହେତୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାରଙ୍କର କେବେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମକୁ କେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆରୁଦିଗିରି ବ୍ଲକ ଲୁହାଖୁଣ୍ଟି ଗ୍ରାମରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। समय सरी बुलेटिन को वाइंड अप कर विदा दियंतु। नमस्कार।